பிஎன்எஸ்எஸ் பிரிவு ஐம்பத்தி நான்கு கைது செய்யப்பட்ட நபரின் அடையாளம் ஒரு குற்றத்தை செய்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு அவரை வேறு நபர் அல்லது நபர்களால் அடையாளம் காண்பது அத்தகைய குற்றத்தின் விசாரணையின் நோக்கத்திற்காக அவசியமாக கருதப்படும் பட்சத்தில் அதிகார வரம்பை கொண்ட நீதிமன்றம் பொறுப்பான அதிகாரியின் வேண்டுகோளின் பேரில் காவல் நிலையம் அவ்வாறு கைது செய்யப்பட்ட நபரை நீதிமன்றம் பொருத்தமானதாக கருதும் விதத்தில் யாரேனும் நபர் அல்லது நபர்களின் அடையாளத்திற்கு உட்படுத்துமாறு அறிவுறுத்துங்கள் கைது செய்யப்பட்ட நபரை அடையாளம் காணும் நபர் மனரீதியாக அல்லது உடல் ரீதியாக ஊனமுற்றவராக இருந்தால் அத்தகைய அடையாளம் காணும் செயல்முறை ஒரு மாஜிஸ்திரேட்டின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடைபெறும் अड़ियाल का बी एन एस एस धारा चौवन गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जहां किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और ऐसे अपराध की जांच के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी पहचान आवश्यक समझी जाती है वहां न्यायालय अधिकार क्षेत्र रखते हुए पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर गिरफ्तार व्यक्ति को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसी विधि से पहचान कराने का निर्देश दे सकता है जिसे न्यायालय उचित समझे बशर्ते कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान उस विधि का उपयोग करके करे जिससे वह व्यक्ति सहज हो और पहचान प्रक्रिया को किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा